आज हमारा पहला लेक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। सबसे पहले मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस काउंट करवाऊंगी। मेन चीज़ होती है इन टेंसेस की स्पेसिफिकेशंस। नंबर वन स्पेसिफिकेशन है, सेंटेंस के एंड में हमेशा आएगा ता है, ती है, ते हैं। जैसे तुम काम करते हो, अली स्कूल जाता है। सो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एंड में ता है, ती है, ते हैं आएगा। सेकंड स्पेसिफिकेशन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, साथ ही इसके एस और ईएस लगेगा वर्ब के साथ, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में, या जिसको हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और थर्ड स्पेसिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है डू एंड डज, लेकिन ये डू एंड डज नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही सिर्फ लगेगा। अब आगे मैं आपको सब्जेक्ट्स का बता देती हूँ जो मोस्टली यूज़ होते हैं। सब्जेक्ट्स ही, शी, इट एंड सिंगुलर नेम। इन सब सब्जेक्ट्स के साथ आप लोगों ने डज नॉट लगाना है, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में डज लगाना है, और पॉजिटिव सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाना है। और बाकी सब्जेक्ट्स में इस साइड पे लिख रही हूँ, यू, वी, दे, आई एंड सम प्लूरल नेम्स, इन सब के साथ लग जाएगा डू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसकी प्रेजेंट इंडेफिनेट की एग्जांपल्स की तरफ। फर्स्ट एग्जांपल है इसकी, अली स्कूल जाता है। इसकी जब हम ट्रांसलेशन करेंगे, अली एक नेम है, सो अली के साथ अली के साथ लगेगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस एंड ई एस, अली गोज टू स्कूल। आगे अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ जाते हैं, अली स्कूल नहीं जाता है, अली डज नॉट गो टू स्कूल। जिन सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब के साथ ई एस और ई एस लगता है, उन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ डज नॉट लगेगा और साथ वर्ब की जस्ट फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। थर्ड आ जाएं आप, क्या अली स्कूल जाता है? अब ये हमारा आ गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा हमारा जो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा और हमारा ट्रांसलेशन बन जाएगी, डज अली गो टू स्कूल, एंड में क्वेश्चन मार्क। अब आ जाएं आप एग्जांपल नंबर फोर की तरफ, अली स्कूल कब जाता है? ये W फैमिली वाली अब आपकी आ गई है ट्रांसलेशन। सबसे पहले आप W फैमिली का वर्ड लिखेंगे when, और जो बाकी आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस था पूरा का पूरा जस्ट आपने वैसा का वैसा लिख देना है, when does Ali go to school। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं। इस एग्जांपल में मैं नेगेटिव इंटरोगेटिव कि आपको ट्रांसलेशन बताती हूँ, क्या अली स्कूल नहीं जाता है। ये आपका जो थ्री नंबर वाला इंटरोगेटिव था, ये एज इट इज़ होगा, जस्ट इसमें नॉट लग जाएगा, डज अली नॉट गो टू स्कूल। ये हमारे अब फाइव एग्जांपल्स हो गई प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। अब मैं आपके उनके सेंटेंस स्ट्रक्चर बताती हूँ। नंबर वन था अली गोज टू स्कूल, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड है अली डज नॉट गो टू स्कूल, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड हमारा सेंटेंस था डज अली गो टू स्कूल, हेल्पिंग डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू डज को हम हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं यहाँ पे,
When does Ali go to school? W family plus do does plus subject plus verb first form plus object. And last है Ali, does Ali not go to school? इसका sentence structure भी देख चुके हैं हम. इन सब को हम कहेंगे sentence structure. ये हो गया complete. लास्ट वाला हमारा रह गया था वो है डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का ऑल ओवर कंप्लीट हो गया है. फिनिशिंग लाइन. बेस्ट ऑफ लक.